वेलकम टू सद्भावना न्यूज एंड आई एम पूनम शर्मा। देश में आज कई राज्यों में उपचुनाव होने जा रहे हैं। 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग होनी है। ज्यादातर सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी भिड़ंत देखने को मिल रही है, वहीं कुछ सीटों पर क्षेत्रीय दलों का ज्यादा प्रभाव है। लोकसभा सीटों की बात करें तो आज दादरा व नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश के मंडी और मध्य प्रदेश के खंडवा सीट पर वोट पड़ेगा। वहीं 29 विधानसभा सीटों की बात करें तो इसमें असम की 5, बंगाल की 4, एमपी, मेघालय और हिमाचल की 3, राजस्थान, बिहार और कर्नाटक की 2, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 सीट शामिल है। सभी सीटों पर आज ही वोट पड़ेंगे और फिर 2 नवंबर को मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। मध्य प्रदेश में सबसे कड़ी टक्कर, अब वैसे उपचुनाव तो कई राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा मध्य प्रदेश की है, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। एक तरफ खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मैदान पर उतर लगातार रैलियां की हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी लगातार प्रचार करती दिख गई। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा सीट पर वोटिंग होनी है और रैगांव, पृथ्वीपुर, जोबट विधानसभा सीट पर मतदान होना है। इन कुल 4 सीटों में से 2 बीजेपी और 2 ही कांग्रेस के पास मौजूद हैं। जानकारी के लिए बता दें कि खंडवा में सांसद तो वहीं रैगांव, पृथ्वीपुर और जोबट में विधायकों के निधन से सीट खाली हुई है। मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो इस उपचुनाव के नतीजे से शिवराज सरकार पर कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के पास सदन में बहुमत से कहीं ज्यादा विधायक हैं। ऐसे में यदि सभी सीटें कांग्रेस जीत भी चाहती है, तब भी सरकार भाजपा की ही रहेगी, लेकिन उपचुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी शिकस्त खाती है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व पर सवाल जरूर खड़े होंगे, क्योंकि दमोह उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद से ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर अटकलों का बाजार बेहद गर्म है। राजस्थान में अशोक गहलोत का चुनाव टेस्ट। हिंदी भाषी राज्यों की बात करें तो राजस्थान में भी कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। राजस्थान के वल्लभनगर, उदयपुर और धरियावद प्रतापगढ़ विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अभी इस समय पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में भी कांग्रेस के अंदर अंदरूनी लड़ाई देखने को मिल रही है। बिहार की 2 सीट और लालू की एंट्री, उपचुनाव के लिहाज से बिहार का सियासी तापमान भी काफी ज्यादा रहा है। लालू प्रसाद यादव की एंट्री के बाद से तो मुकाबला और कड़ा माना जा रहा है। आज बिहार विधानसभा की कुशेश्वरस्थान और तारापुर सीट पर वोट डाले जाएंगे। एक तरफ कुशेश्वरस्थान सीट के लिए 11 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किया था, तो वहीं तारापुर सीट के लिए 12 नामांकन पत्र दाखिल हुए। पश्चिम बंगाल में फिर टीएमसी बनाम बीजेपी। पश्चिम बंगाल में भी आज 4 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। इसमें भी बीजेपी के लिहाज से दिनहाटा और शांतिपुर में प्रतिष्ठा की लड़ाई है। दिनहाटा सीट से टीएमसी ने फिर उदयन गुहा को अपना उम्मीदवार चुना है, जो अप्रैल में बीजेपी से अपनी सीट गंवा बैठे थे। उनका मुकाबला इस बार बीजेपी नेता अशोक मंडल से है। असम में भी 5 विधानसभा सीटों पर वोटिंग। नॉर्थ ईस्ट राज्यों में असम में भी चुनावी सरगर्मी देखने को मिल रही है। यहां पर 5 सीटों पर वोटिंग होनी है। वो सीटें हैं गोसाईगांव, भवानीपुर, तमिलपुर, मरियानी और थौरा। पावर्ड बाय आर्थ्रोस क्लिनिक, अ डेडिकेटेड सेंटर फॉर आर्थ्रोस्कोपी एंड स्पोर्ट्स इंजरीज।